सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में एक छोटा सा फैसला भी आपको बहुत आगे या पीछे ला सकता है, इसलिए फैसले सोच समझ कर करिए। माफी मांगने से अगर रिश्ते सही होते हैं तो माफी मांगने से घबराइए नहीं। खूबसूरती जीवन को जीने में है। रिश्तों की कदर करें और उनके साथ आगे बढ़ें। बुराइयां हर किसी में होती है, उसे सही करने में वक्त जाया मत कीजिए। आज का पंचांग 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:50 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 10:07 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:49 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मीन राशि 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार, कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है। अभी इस आदमी से ना उलझें। आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगे। समय अनुसार कार्य संपन्न होंगे, इससे आपको खुशी महसूस होगी। कोई सरकारी मामला भी अटका हुआ है तो उसे हल करना आसान होगा। ससुराल से खुशी भरा समाचार मिल सकता है। परिवार तथा फाइनेंस से संबंधित फैसले बेहतर रहेंगे। लोगों से मिल रही टिप्पणी के कारण मन में क्रोध बढ़ेगा, जिसे प्रकट करना संभव नहीं है। मन में दबे क्रोध के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आप पर लगे गलत आरोप का जवाब तुरंत देना होगा। नकारात्मक परिस्थिति में अपना हौसला बनाए रखने की कोशिश करें। काम की जगह चल रहे विवाद तनाव बढ़ाएंगे, आपसे सामंजस्य से विवाद को दूर कर पाएंगे। जब तक परिवार से अनुमति प्राप्त नहीं होती है तब तक विवाद से संबंधित निर्णय बिल्कुल ना लें। सेहत की पूरी तरह से जांच करानी होगी। जो आमतौर पर आज के दिन आपके वित्त के लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है, तो आमतौर पर आज के दिन आपके लिए वित्त के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इस समय किया गया कोई भी कार्य जो वित्तीय लेन से संबंधित है वह आप बैलेंस कर पाएंगे और आपको इसमें फायदा होगा। हो सकता है आपकी आय कुछ खर्चों में विभाजित हो जाए। जितना हो सके अपने खर्चों को सीमित रखें और संभव हो उतना ही पैसा बचाएं। अपनी बुरी स्थिति के लिए पैसों को बचा कर रखें। सावधानियां, पारिवारिक जरूरतों का भी ध्यान रखें। कोई प्रॉमिस किया है तो उसे निभाना भी जरूरी है। कुछ समय आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में ही व्यतीत करने से विवादों में सकारात्मकता आएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप भावनात्मक रूप से आक्रामक मूड में हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम या बात अपनी और ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम या बात आपकी भावनाओं को भड़का दे और आप ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठे जिसका कोई तूक ना बनता हो। आज आप छोटी छोटी खुशियों और किसी की सहायता को भी बड़ी बात मानेंगे। आपके पार्टनर को भी आपकी सॉफ्ट साइड दिखाई देगी। वैसे इस मूड में आप कभी कभार ही होते हैं, इससे आपके पार्टनर को आश्चर्य तो होगा लेकिन संबंध में मजबूती भी आएगी। बात करते हैं करियर की। बदलाव आपके करियर में संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन आपको आनंद देगा। आपको नई नौकरी की पेशकश मिल सकती है या एक नए विभाग में आपको स्थानांतरित किया जा सकता है। पदोन्नति का भी संकेत मिल रहा है। आप अपनी नई जिम्मेदारियों से प्यार करेंगे और अपने आप को साबित करने के लिए उत्साह से भर जाएंगे। आप अपनी कार्य क्षमताओं से हर किसी को प्रभावित भी करेंगे। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों तथा स्टाफ पर कड़ी नजर रखें। किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी न ले वरना आप फंस सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधित प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन उसे कार्य रूप देने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य कर लें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, अगर आज आपने उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वे गंभीर रूप भी धारण कर सकती है।
आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें बिल्कुल ना खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रही हैं और नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो अब सख्ती से नियमों का पालन करें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।